नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज चैनल। मध्य प्रदेश धार जिला बाग थाना रामपुर घाटी में छबड़ा बस पर पत्थर मारने वाले हुए गिरफ्तार। खबर विस्तार से, भाजपा नेता की गाड़ी को भी किया था पंचर। साथी बदमाश आने जाने वालों को पत्थर मार कर लूटने का करते थे प्रयास। 27/2/2023 की रात्रि में छबड़ा बस जो इंदौर से कूची जा रही थी, करीबन रात्रि 9:15 पर रामपुर घाटी पर छबड़ा बस जैसे ही पहुंची तो बस पर अज्ञात आरोपियों द्वारा पत्थर फेंके गए, जिससे बस में बैठी सवारी इमरान पिता खालिद हुसैन उम्र 35 साल निवासी कुंची को सिर में पत्थर लगने से गंभीर चोट लगी, जिसे तुरंत जिला चिकित्सालय बड़वानी उपचार हेतु रवाना किया गया, जो वर्तमान में इंदौर अस्पताल में इलाजरत है। फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना बाग पर अपराध पंजीकरण कर विवेचना में लिया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए उक्त घटना में संलिप्त गिरोह के आरोपियों की शीघ्र पतारशी कर सभी आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने हेतु पुलिस अधीक्षक धार आदित्य प्रताप सिंह के द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धार देवेंद्र पाटीदार के निर्देशन में व SDOP कुंची दिलीप सिंह बिलवाल के द्वारा रणजीत सिंह बघेल थाना प्रभारी बाग के नेतृत्व में टीम गठित की गई है। थाना प्रभारी बाग रणजीत सिंह बघेल को मुखबरी से प्राप्त सूचना मिली कि कुंची रोड रामपुरा घाटी नर्सरी के पास कुछ अज्ञात बदमाशों द्वारा आने जाने वालों को रोककर लूट डकैती की योजना बना रहे हैं, जिसकी तस्दीक हेतु थाना बाग पुलिस टीम में फोर्स के मुखबरी द्वारा बताए स्थान पर पहुंचकर बबूल की झाड़ियों में छुपकर बदमाशों की आवाज व बातचीत सुनी, जो स्पष्ट आवाज आ रही थी। सभी बदमाश आपस में एक दूसरे को बोल रहे थे कि आज रोड पर आने जाने वालों वाहनों एवं लोगों को रोककर उनसे नकदी रुपए जेवरात आदि छीन कर मारपीट कर लूट कर भाग जाएंगे, कहकर खतरनाक इरादों से डकैती की योजना बनाकर आपस में बातचीत कर रहे थे, जो किसी भी व्यक्ति के साथ लूट डकैती की पूर्ण शंका होने पर झाड़ियों में छुपकर बैठे बदमाशों को पुलिस बल की मदद से दोनों तरफ से घेराबंदी कर बदमाशों को पकड़ने का प्रयास किया तो भागने लगे, जिन्हें बामुश्किल पुलिस बल की मदद से घेराबंदी कर चार बदमाश पकड़े तथा एक बदमाश अंधेरे के कारण कटीली झाड़ियों व जंगल का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। पकड़े गए बदमाशों का नाम पता पूछते उन्होंने अपना नाम सचिन पिता माधव सिंह मंडलोई उम्र 19 साल निवासी मालपुर रामपुर बड़केश्वर अनिल पिता जगदीश डोडवे उम्र 19 साल निवासी आमलाल तीखी बयाडी थाना कुंची सीताराम पिता जगदीश डोडवे उम्र 19 साल निवासी आमलाल तीखी बयाडी नाबालिग अपचारी बालक निवासी मालपुरा रामपुरा बताया। पकड़े गए चारों आरोपियों से भागने वाले साथी आरोपी का नाम पूछते उन्होंने उसका नाम अजय पिता कवान निवासी नाहवेल अमलिया पानी बताया। उक्त गिरफ्तार शुदा आरोपियों से पूछताछ करते कि रात्रि में लूट की नियत से पत्थर अड़ा कर झबड़ा बस व अन्य वाहनों पर भी पत्थर मारना कबूल किया, जिससे प्रकरण में आरोपियों की गिरफ्तारी कर घाट में झबड़ा बस को पत्थर मारने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी में बाघ पुलिस ने सफलता प्राप्त की है। दिनांक 27/2/23 को रामपुरा घाटी में छाबड़ा बस को रोककर पंचर कर पत्थर मारे थे। उसके पीछे जा रहे बीजेपी के नेता की गाड़ी में भी बदमाशों ने पत्थरबाजी की थी। उन बदमाशों को पकड़ने के लिए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में के निर्देशन में एक टीम गठित की गई थी। थाना प्रभारी बाग रणजीत सिंह बघेल के नेतृत्व में आज सुबह थाना प्रभारी को सूचना मिली कि पाडल्या और रामपुरा घाटी के बीच में कुछ बदमाश लूट की डकैती और लूट की योजना बना रहे। सूचना पर थाना प्रभारी मई बल के रामपुरा घाटी पे पहुंचा। वहाँ पर झाड़ियों में चार पांच लोगों की आवाज़ सुनी। मई फोर्स के दबिश देकर चार आरोपियों को पकड़ने में
सफलता की। एक आरोपी भागने में सफल रहा। उन चार आरोपी में से एक नाबालिग है, बाकी तीन आरोपी बालिग है। जिनसे पूछताछ करते उन्होंने बताया कि 27/3 को 9:30 बजे के लगभग छाबड़ा बस में पत्थरबाजी करके कांच तोड़े थे, जिससे एक व्यक्ति को गंभीर चोट आई थी, जो वर्तमान में इंदौर में भर्ती है। और बस के पीछे आ रही दो गाड़ियों को भी पत्थरबाजी की थी। उक्त आरोपियों ने अपराध करना स्वीकार किया। इस टीम में पूरी तरह से सॉरी